पूरा बारीक बारीक काटना पड़ता है। गाजर, ये शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी, और इधर नूडल्स बॉईल हो रहा है भाई लोग। साला पत्ता गोभी कितनी वेट और कितनी बड़ी है यार, और इतनी भारी भी है यार। कितने किलो की होगी ये? 1.5 किलो की साली, इतनी बड़ी इतनी वेट। तो भाई लोग अभी फिलहाल हम लोग बना रहे हैं नूडल्स। एक 1.5 घंटा नहीं, करीब 15 मिनट लगेगा भाई बनने में। बनाते हैं मस्त, खाते हैं एक नंबर। तो भाई अभी फिलहाल नूडल बॉईल हो रहा है, बॉईल करके बनाते ना इसको। अभी बॉईल हो रहा है फिर बनाते हैं एक नंबर मस्त। एकदम बारीक बारीक काटना पड़ेगा भाई, तभी ना भुजा जाएगा, भुजने पे आ जाएगा हाथ में। तो भाई लोग ये नूडल्स में गाजर वगैरह जब तक नहीं डालो तब तक खाने में मजा नहीं आती है कि नहीं। शिमला मिर्च भी भाई एकदम बारीक बारीक काट लिए, शिमला मिर्च है, ये गाजर और ये अपनी तीखी वाली मिर्च, और इधर आधा गाजर और काट रहा है। गाजर ज़्यादा नहीं हो जाएगा भाई? थोड़ा सा डाल देता हूँ, देखेंगे गाजर और डालेंगे। ये हो गया बॉइल शायद राहुल। तो भाई लोग इस वाले नए ब्लॉग में हम लोग बना रहे हैं नूडल्स। तो भाई लोग वीडियो को पूरा देखना, मस्त एंजॉय करना एक नंबर, और हम लोग नूडल्स का एंजॉय करेंगे मस्त भाई। लेकिन वीडियो पूरा देखना, मजा आएगी भाई। अभी वेट करते हैं फिलहाल बनने का नूडल्स, थोड़ा हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं यार भाई, नहीं तो बनने में बहुत टाइम लगता है। तो भाई अभी फिलहाल पत्ता गोभी काट रहा है एकदम बारीक बारीक। ऊपर से डालेगा कि फ्राई करना पड़ता है इसको? फ्राई करना है। तो भाई ये पत्ता गोभी, वे कितनी बड़ी पत्ता गोभी थी भाई ये। तो भाई सारे आइटम काट के रख लिए हैं, ये तीखी वाली मिर्च, ये गाजर और ये शिमला मिर्च, और इधर मेन आइटम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के बिना मन नहीं सकता नूडल्स, है कि नहीं भाई रहो? तो भाई जब तक पत्ता गोभी नहीं डालो ना नूडल्स में तब तक मजा नहीं आती। नूडल्स लगेंगे ही नहीं कि नूडल्स बना है भाई, इसलिए मेन आइटम उसमें पत्ता गोभी और टमाटर भी है ना भाई, टमाटर ही डालेंगे। सॉस है ना? और हाँ भाई सॉस भी है। ये बाकी आइटम सॉस, वो विनेगर है ना, वो विनेगर, टमाटो सॉस, और वो उसमें क्या है, चटनी है, हरी वाली ये चटनी है, हरी वाली लाल चटनी ठीक है उसका थोड़ा आएगा। तो भाई बनाने की प्रोसेस चालू। अब ये सारा मटेरियल पूरा इसके अंदर, पत्तों को भी ऐसा लग रहा भाई बहुत ज्यादा हो गई है ना, आधा डालेंगे नूडल ज्यादा है ना। हाँ नूडल्स भी ज्यादा ही है, आधा डालेंगे देखेंगे। प्याज ज्यादा तीखा हो जाएगा तो मिर्ची कम डालना, सारी सॉस अभी मीठा पड़ेगा पूरा। फ्राई होने के बाद सॉस डालना, प्याज जल नहीं गई भाई ज्यादा? बरोबर है, बरोबर है। डाल दे, अब काट दिया तो डाल ही दे, बचा के कोई मतलब ही नहीं है। मोटा मोटा अलग कर देता हूँ जल्दी। भाई तीखा है, खांसी लग रही भाई, ऐसा लग रहा तीता बनेगा। तो भाई खांसी होती आ रही भाई, ऐसा लग रहा भाई बहुत ज्यादा तीता बनेगा। कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे, आप तीता तो एडजस्ट कर सकते हैं भाई, नमक नहीं एडजस्ट कर सकते भाई। नमक जब ज्यादा लगता ना भाई तब खाने की इच्छा नहीं करती। सोया सॉस, ये क्या है काला वाला? सोया सॉस है, नाप के लाना पड़ेगा ना। विनेगर कम ही डालना भाई, तो नाप के डाल रहा हूँ, ढक्कन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर टेस्ट अलग ही आएगा। तो भाई नूडल्स खाने का इंतजार अब होने वाला है खत्म, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा।
भाई देख के मुंह में पानी आ रहा है। भाई सच में लग रहा मिर्ची ज्यादा हो गई। मिर्ची ज्यादा है। दुकान जैसा नहीं बनेगा रे टेस्ट। अरे कैसा ही बने, दुकान जैसा बने चाहे कुछ भी बने, अपने को खाने से मतलब, क्योंकि भाई अपनी दुकान तो है नहीं। कैसा ही बने भाई खाने से मतलब, फ्री का और क्या चाहिए भाई, फ्री का वैसे ही मिलेगा, फ्री का टेस्ट नहीं रहा तो भी मजा आती है। हो गया भाई, सूखने देख ले। तो भाई लोग फाइनली हमारा नूडल्स बन के हो गया रेडी, चलो अब खाते भाई लोग, खा के बताते भाई स्वाद कैसा है, अभी तो खाए नहीं है, खा के देखते हैं। तो चलो भाई लोग खाते हैं, मेरे को तो देख के लग रहा भाई स्वाद अच्छा है इसका। तो भाई लोग स्वाद काफी अच्छा है, एकदम मस्त बना है नूडल्स। तो ठीक है भाई, नूडल्स खाने के बाद मिलते हैं। तो भाई लोग नूडल्स काफी अच्छा बना था, खा के मजा आया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, ब्लॉग को ही करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय भाई लोग।